अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज उनसा है, हमने रिवाइज करना है हाउ इज़ द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स क्लासिफाइड। डाइवर्सिटी का मतलब है वैराइटीज़, यानी कि मुख्तलिफ एनिमल्स की जो उनसे वैराइटीज़ हैं उनको हमने क्लासिफाई किया है। उसकी हमने पढ़ना है कि उनको क्लासिफाई क्यों किया हुआ है। अब आप ये देखें कि जो एक स्पाइडर और गोरिल्ला है, इनको एग्जांपल दी हुई है कि ये एक क्लासिफिकेशन में नहीं आ सकते, ये एक ही एनिमल किंगडम में नहीं आ सकते, बिकॉज इनका हैबिटेट, इनका फूडिंग, इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। गोरिल्ला आपको पता है ट्रीज़ पे रहता है, स्पाइडर एक वेब बना कर रहती है ट्रीज़ पे हर जगह, ये आपके घरों में भी होती है, लेकिन गोरिल्ला जो है वो घरों में नहीं रह सकता, इसलिए इनका हैबिटेट बिल्कुल डिफरेंट है। इनकी दोनों जगह जो हैं वो डिफरेंट है। लिविंग थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर करेक्टरिस्टिक्स। सम करेक्टरिस्टिक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स व्हेन यूज्ड टू क्लासिफाई लिविंग थिंग्स। इज इट useful for biologists to classify living things according to their color? For example, both the black widow spider and the gorilla are black. Does classifying them in the same group show the relationship between a black widow spider and a gorilla? Do they have many similarities other than color? No, they doesn't. Okay, the answer would be living things in the same group share similar characteristic. जो same group में होते हैं, जो एक ही group के अंदर animals रखे जाते हैं, उनकी classification एक जैसी होती है, उनके characteristics एक जैसे होते हैं। For example, के कार्निवोर्स में एनिमल्स वो होते हैं जो एनिमल्स खाते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा sharp front teeth होते हैं, वो कार्निवोर्स होते हैं। जबकि जो हर्बीवोर्स एनिमल हैं, जो घास फूस खाते हैं, वो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं। उनके अंदर सिर्फ उस किंगडम में सिर्फ वही एनिमल्स ही होंगे जो हर्बीवोर्स होते हैं, जैसा कि जिराफ, शीप, गोट, काव, दीज आर हर्बीवोर एनिमल्स। ओके, इनका रहन सहन भी एक जैसा ही होता है। ओके, since each living things has many characteristics, there is more than one way to classify it. Biologists usually classify living things based on important characteristics such as anatomy, shapes and body structures, development, life cycle, evolutionary history and genetic material of an organism. इनकी बेस पे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया हुआ है। वन कॉमन वे ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स इज बेस्ड ऑन लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच पुट्स लिविंग थिंग्स इनटू टैक्सोनॉमिक ग्रुप दैट इंडिकेट देयर नेचुरल रिलेशनशिप्स। लिविंग थिंग्स आर प्लेस्ड इनटू द फॉलोइंग 8 टैक्सोनॉमिक ग्रुप: डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स एंड स्पीशीज, बेस्ड ऑन सर्टन सिमिलैरिटीज। ईच डोमेन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ किंगडम्स, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स। अब वो कह रहा है कि एक कॉमन जो क्लासिफाई वे है क्लासिफाई करने का एनिमल्स को, वो है लीनियस सिस्टम, यानी कि ये एक साइंटिस्ट का नाम था, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एनिमल्स को क्लासिफाइड किया है उनकी किंगडम में, यानी उनकी क्लास क्या है, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीशीज, हर चीज़ को देखते हुए फिर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। और दो किंगडम्स ऑलरेडी हैं, जैसे कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ईच फाइलम कंसिस्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ क्लासेस एंड सो ऑन। ओके, यहाँ तक आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी आपको इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जैसे ये इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए आज हमने इसको दोबारा रिवाइज़ कर लिया है। ये आपका आज 17 मई 2021 है, आपने ऊपर ये डेट मेंशन कर लेनी है आज। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर, रीड दिस आउट अगेन। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।